गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थ्री पेपर थ्री में आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स में कुछ रीजंस पाए जाते हैं जिनके कारण उनमें अडप्टेशन होते हैं, और ये रीजन जो हैं ये क्लाइमेटिक होते हैं। इन रीजन में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। वाटर यहाँ पर क्योंकि हाईली अवेलेबल होता है, जल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स को उन परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ अडप्टेशंस पाए जाते हैं। यहाँ पर बॉयसी जो है पाई जाती है, बॉयसी या उत्प्लावकता ऐसा गुण है जिसके कारण एक्वेटिक प्लांट्स जो है पानी की सतह पर तैरते रहती हैं। ये जो है गुण इनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के कारण होता है, जिसको कि हम बाद में एनाटॉमिकल एडप्टेशंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लो सैलिनिटी या लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होने से प्लांट्स को उस अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है, टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का बैड कंडक्टर होने के कारण यहाँ पर पानी में हवा के कंपैरिजन में जो है वाटर टेम्परेचर में वेरिएशंस कम होता है, इसलिए प्लांट्स अपने आप को जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वेटिक प्लांट्स में वेरिएशन बहुत कम पाए जाते हैं, और क्योंकि इन टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट पड़ता है डिसॉल्व ऑक्सीजन पर, और अगर कम वेरिएशन होगा तो कम वेरिएशन डिसॉल्व ऑक्सीजन में होगा। टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट है लाइट। लाइट हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइट, क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी से ही फोटोसिंथेसिस होता है, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जैसे जैसे हम वाटर बॉडी में डीप जाते जाते हैं, नीचे की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व जो सॉलिड सब्सटेंसेस है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है वाटर में, वो जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते जाते हैं इस लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है, और ये जो वेरिएशन है लाइट इंटेंसिटी में ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है प्लांट्स का। जलाशय में पैदे की तरफ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको कि लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कम लाइट होने से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता या बहुत कम होता है। तो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या फॉर एग्जांपल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो लोअर लेवल पे या डीप ओशंस में, डीप वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। तो ये जो है लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक गैसेस में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है किसी भी एक्वेटिक प्लांट को अफेक्ट करती है। वाटर बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसकी वेरिएशंस होती है, जो अब और जैसे हमने पढ़ा टेम्परेचर या लाइट के कारण, और ये जो वेरिएशंस है ये अफेक्ट करते हैं प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के, कि किस तरह की प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर होती है। इन कारणों से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ अडप्टेशंस पाए जाते हैं। अडप्टेशंस का मतलब है उनमें कुछ ऐसे
लक्षण पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वो अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं उस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। एडप्टेशन जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंज लाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडप्टेशंस कहलाते हैं। और हम देखते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल अडप्टेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर रूट की सबसे पहले बात करते हैं तो रूट्स जो हैं वो कुछ प्लांट्स में एब्सेंट होती हैं और कुछ में प्रेजेंट होती हैं। बट अगर ये प्रेजेंट होती हैं तो ये लेस डेवलप्ड होती है, क्योंकि जैसे सेरेटोफिलम में यहाँ पर क्योंकि वाटर जो है इजीली अवेलेबल है पूरे प्लांट्स के लिए, इसलिए रूट का जो मेन पर्पस है, जो मेन काम है, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर रूट जो है अगर होती है तो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती। इसके बाद रूट हेयर्स जो है वो बहुत कम प्लांट्स में पाए जाते हैं, ज़्यादातर में रूट हेयर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। रूट हेयर्स का काम है जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर है, कैपिलरी वाटर, उसको एब्जॉर्ब करना। और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड टाइम है, इसके रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि लैमिना एंड वुल्फिया। इसके अलावा रूट कैप जो है एब्सेंट होती है, और कुछ प्लांट्स में इनकी जब है रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, और ये जो पॉकेट्स हैं वो बैलेंसिंग का काम करते हैं, जैसे कि ये आइकॉर्निया, ट्रापा और पिस्टिया में। आइकॉर्निया, ट्रापा एंड पिस्टिया में ये रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं, जो कि बैलेंसिंग का काम करती है, बैलेंस बनाने का। जब ये वाटर सरफेस पर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, तो उनको बैलेंसिंग बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो साल्विनिया है, साल्विनिया में प्लांट में एक लीफ जो है वो बहुत ज़्यादा शाखाओं में बदल जाती है, और इसका जो है काम करती है बैलेंसिंग का। इसके अलावा ट्रापा जो है वाटर चेस्टनट, जो सिंगाड़ा है, उसमें फोटोसिंथेटिक रूट पाए जाते हैं, उनकी जड़ें प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, और ये जो है अपना भोजन बनाती है, और इनकी जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये सूरज का प्रकाश एब्जॉर्ब करके और ये फूड मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती हैं ट्रापा की रूट्स। इसके अलावा जो रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन का काम करती हैं, और जुन्सिया जो प्लांट है उसमें दो तरह की रूट होती है, एक तरह की रूट नॉर्मल रूट होती है और दूसरी तरह की रूट रेस्पिरेटरी रूट होती है, जो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये मैट्री प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो मार्शी लैंड्स में होते हैं, दलदल वाले एरिया में, स्वाम्प बेसिस पे जो उगते हैं उनको कहते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। इनके रूट्स जो हैं वो स्पेशल रूट्स होती हैं, खुटे के जैसी या पैग लाइक रूट्स होती हैं, और ये रूट्स जो हैं ये ग्राउंड या सॉइल से बाहर की तरफ आती हैं, खूंटे की जैसी पैग लाइक रूट्स होती हैं, जमीन से बाहर की तरफ निकली भी रहती हैं। इनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। न्यूमेटोफोर्स में होल्स होते हैं, और इन
होल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो रूट्स है ये रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहलाते हैं। तो ये जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें कि न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है राइजोफोरा। एविसिनिया। ये जो है ये मार्शी प्लांट्स हैं। इसके बाद रूट के बाद स्टेम है। एक्वेटिक प्लांट के स्टेम में भी मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। थिन होते हैं, वीक होते हैं, इटियोलेटेड होते हैं और ये जो है डेलिकेट भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर कम लाइट, कम सूरज का प्रकाश अवेलेबल होता है, इसलिए ये जो स्टेम एक्वेटिक प्लांट में जनरली पाए जाते हैं। समर्ज अगर प्लांट्स है, निमग्न अगर है, तो इनके स्टेम जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं, जो कि आउटलाइन में राउंडेड दिखाई देते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। इनकी एनाटॉमी में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आगे जब हम पढ़ेंगे। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचक वाले होते हैं, ताकि जल की सतह से या पानी की लहरों से टकराकर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल स्टेम वाले होते हैं सबमर्ज। फ्री फ्लोटिंग की अगर हम बात करें तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में स्टेम बहुत कम डेवलप होता है, कईयों में बहुत कम डेवलप होने के बाद एब्सेंट भी हो जाता है। ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट है इनका एग्जांपल है बुल्फिया, लेमना, साल्विनिया। ये जो प्लांट्स हैं इनमें लेस डेवलप स्टेम होता है। सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं उनका स्टेम कुछ में रनर के जैसा हो सकता है। और ये जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि नीलम्बू में, जैसे कि निम्फिया में, ये इस तरह का स्टेम पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लीव्स, पत्तियां कैसी होती हैं। इनकी पत्तियां थिन होती हैं, डेलिकेट होती हैं, लंबी ज्यादा और चौड़ी कम होती है। इनके मार्जिन जो वो है कटे कटे होते हैं, कटेंट्स वाले होते हैं, और ये ज्यादातर लंबी धागे के नुमा होती है। और ऐसी संरचनाएं इनकी इसलिए होती हैं ताकि बहते हुए पानी में इनकी वजह से कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो, या उस पानी के बहाव की वजह से ये पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, जैसे नजास, जैसे सिरेटोफिलम। इनकी पत्तियां धागे नुमा होती है। वेलिस्टेडिया की पत्तियां रिपिन लाइक होती हैं, लंबी
ज़्यादा और चौड़ी कम होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हेटरोफिली पाई जाती है, जैसे ये है रेनन्कुलस। रेनन्कुलस के पौधे में हेटरोफिली पाई जाती है, हेटरोफिली। रेनन्कुलस में दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, एक तो वो जो कि जल की सतह के ऊपर रहती है और दूसरी वो जो जल की सतह के अंदर रहती है। इनके किनारे जो है इस तरह से कटे फटे होते हैं और ये कंपाउंड लीफ होती है जब ये इनसाइड वाटर बॉडी। एक तरह की पत्ती यहाँ पर होती है जब ये या सबमर्ज होती है वाटर में, दूसरी जब ये एरियल लीफ होती है तो ये इस तरह से ये पतली लंबी लीफ होती है। तो मॉर्फोलॉजिकली टू टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट इन वन प्लांट इज नोन एज हेटरोफिली। ये हेटरोफिली रेनन्कुलस में पाई जाती है और ये पाई जाती है लिग्नोफिला हेटरोफिला। ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेटरोफिलस लीफ। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं और इन प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो लीव्स जो है वो छतरी के आकार के पेल्टेड लीव पाए जाते हैं। और ये छतरी के आकार की पेल्टेड लीव हेल्प करती है फ्लोटिंग में। जैसे कि हमने देखा ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वुल्फिया, इनकी लीव जो है वो इसी तरह की होती है, डार्क ग्रीन और पेल्टेड शेप की। तो ये जो है ये है कि एक्वेटिक प्लांट्स की लीव कैसे होती है। प्लांट्स एंड सीड्स, एक्वेटिक प्लांट्स में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। अलग अलग तरह के एक्वेटिक प्लांट्स में अलग अलग तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, लेकिन सीड जो है जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स में सीड्स एब्सेंट होते हैं और कुछ फ्यू हाइड्रोफाइट्स हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो होते हैं तो बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। इन जनरल एक्वेटिक प्लांट में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ही, रूट स्टेम लीव्स के थ्रू ही ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आज हमने पढ़ा अबाउट प्लांट अडप्टेशंस, अडप्टेशंस के अकॉर्डिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और किस तरह के हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उन हाइड्रोफाइट्स में किस तरह के मॉर्फोलॉजिकल अडप्टेशंस पाए जाते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।